बेटी को तुझे देने वाला तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तब प्रताप हंसते हुए कहता कि है कि मैं एक राक्षस हूँ मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखने में काफी मजा आता है तभी वह आर्या को खींच कर लाथ मारता है जिसको देख कर अर्थव प्रताप को मारने लगा जाता है तब प्रताप आर्या से कहकर अर्थव पर हमला करवा देता है और फिर वह गुस्से में अंश पर हमला करने के लिए कहता है और आर्या भी अंश का सर फोड़ देता है जिसके बाद बीना और अथर रोते हुए अंश की मर्म पट्टी करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे तब रूम में अंश के पास एक फोन था जिसे मैं बैटरी ना होने के कारण चार्जिंग पर लगा देता है तब वंश की चोट लगने से बुखार भी आ गया था तो ये दोनों नीचे प्रताप के पास जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है पर प्रताप इन्हें पर भड़क जाता है तेरे पति ने देख मेरा क्या हाल किया है और वह आरिया को चाकू लाने के लिए कहता है कि आप तेरे माँ बाप मुझे दोबारा मार आए तो तू उन्हें मारा दिया फिर प्रताप अथर्व से जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहता है और अंश को बचाने के लिए अर्थ वह प्रताप के सामने जमीन पर नाक रगड़ता है लेकिन ये सब देखने के बाद भी प्रताप को दया नहीं आती और वह आर्या को गाना बजा कर डांस करने के लिए कहता है जहाँ आर्या नाच नाच कर पूरी थक चुकी थी लेकिन प्रताप उसे रुकने के लिए कहता है नहीं फिर थोड़ी देर बाद स्पीकर बैटरी खत्म होती है तब जाकर आर्या रुकती है अब बिना आरिया के लिए पानी लाती है लेकिन प्रताप उसे पानी को भी पीने नहीं देता और बिना आर्या की ऐसी हालात देखकर बस रोए जा रही थी तब बीना को चुपचाप ऊपर जाने के लिए कहता है अब ये सब देखकर अर्थ अर्थव पूरी तरह से इरिटेट हो गया था और वह गुस्से में प्रताप को मारने जाता है तो वहाँ तो आर्या पहले से ही प्रताप को बचाने के लिए खड़ी थी अब आर्या को पूरा दिन बीत गया था प्रताप के वश में आए इसलिए वह एक बार भी टॉयलेट तक नहीं गई थी इससे वह वही खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है और ये देखकर अथर्व वापस रूम में आकर रोने लगता है फिर वह जल्दी से अपने फोन से किसी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है पर सिग्नल न होने के कारण फोन नहीं लगता जिसके बाद अथर्व कहता है कि मेरा ऑफिस बैग ऑफिस का फोन है और शायद उससे बात बन सकती है लेकिन नीचे तो प्रताप बैठा था तभी प्रताप बिना को नीचे बुलाता है कि तो मेरा सामने आर्या के कपड़े बदलो पर बिना कहती है कि, कि एक बार उसे नहाने दो क्योंकि वह बहुत गंदी हो चुकी है पर प्रताप आर्या को वही कपड़े खोलने के लिए कह देता है जिसके बाद बिना काफी गिरफ्तार आती है और प्रताप आर्या को दूसरे कपड़े पर आता है आर्या भी वैसा ही करती है जिसके बाद बीना काफी गिर गिरती और प्रताप आर्या को दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहता है अब प्रताप आर्या से कहता है कि समय बीते जा रहा है और ये लोग तुझे मेरे साथ नहीं भेज रहे हैं इसलिए वो इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और आर्या की फैमिली के साथ एक गेम खेलता है जिसमे अंश को पाँच मिनट के अंदर छुपाना है और जिसके बाद आर्या अंश को ढूंढ मार देगी तब अर्थ व और बिना जल्दी से अंश को एक जगह छुपा देते हैं और प्रताप आर्या को गुस्सा दिलाकर अंश को मरने करने के लिए कहता है फिर आर्या जल्दी से ऊपर जाकर लॉकर रूम को तोड़ देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अंश उसी में ही छुपा होगा पर अर्थव ने अंश को कहीं और ही छुपाया था जिसको आर्या हर जगह ढूंढने में लग जाती है इसी बीच मौका मिलता ही अर्थव नीचे अपने बैग से अपना फोन निकाल लेता है फिर थोड़ी देर अंश को ढूंढने के बाद आर्या अंश को छत पर ढूंढ लेती है और तब बीन और अर्थव अंश को बचाने के लिए भागते हैं लेकिन आरिया दोनों को ही बड़ी तरह से घायल कर देती है तब अंश भी वहाँ से भागने लगता है, पर आरिया उसे पढ़कर नीचे देती है। जिसको देख ये दोनों जल्दी से नीचे जाते हैं और अंश की हालत काफी ज्यादा खराब थी तब बीना कहती है ये अभी जिंदा है इसे अस्पताल ले जाना होगा वरना हम इसे खोदेंगे जिसको देख प्रताप कहता है की मैं अभी आर्या के हाथों वंश को मरवा दूंगा और अगर अंश को बचाना है और अस्पताल ले है तो आर्या मुझे अर्पण कर दो यानी इन्हें कहना होगा कि आर्या को प्रताप को सौंप रहे हैं। थ व और बीना इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुके थे उन्हें अंश को बचाने के लिए कहना ही पड़ता है कि हम आर्या को तुम्हें दे रहे हैं फिर जाने से पहले अथर्व लगता है और चुपके से उसकी पेंट की जेब में फोन डाल देता है ताकि वह अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर पाए इसके बाद प्रताप आर्या को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर अथर्व बिना से अस्पताल ले जाने के लिए कहता है और अथर्व का आर्य को रोकने के चलते एक हाथ काफी ज्यादा घायल हो चुका था इसके बावजूद वो आरिया को ट्रेन करते हुए उसके पीछे जाने लगता है अब यहाँ प्रताप को देखते हैं जो अपने अड्डे पर आता है और वहाँ तो प्रताप ने काफी सारी लड़कियों को अपने वश में करके अपने साथ रखा हुआ था जो प्रताप की हर बात मानती थी और प्रताप भी हमसे अपने हर तरह के काम करवाता था वहाँ वो आर्या को सबसे मिलवाता है और कहता है की यह सब तुम्हारी बहन है और अब तुम भी इनके साथ रहकर मेरा काम करोगी फिर अर्थवा प्रताप की लोकेशन पर पहुंच जाता है और तभी वहां प्रताप के वश हुई सारी लड़कियां अर्थव पर हमला कर देती है और उसे नोचने लगते हैं जिसके कारण वो उठ भी नहीं पता तब प्रताप वहां आटा अर्थव से उसे कहता है जब मुझे मरना है तो मैं आर्या के हाथ मरना चाहता हूँ जो सुन प्रताप आर्या को बुलाता है जैसे ही वो आर्या से अपने बाप को मारने के लिए कहने वाला होता है तभी प्रताप खड़ा होकर होकर आर्या के दोनों कानों में कैंची घुसट देता है ताकि आर्या कुछ भी सुना पाए इसके बाद अथर्व प्रताप को पटक कर उसे बेहोश कर देता और जैसे प्रताप को होश आता है और वह कुछ बोल पाता उससे पहले अथर्व प्लास से उसकी जवान निकाल लेता है जिसके बाद दर्द के मारे प्रताप को तड़पता है क्योंकि अब वह कभी बोल नहीं पाएगा और आर्या के साथ साथ अथर्व ने वहाँ खड़ी सारी लड़कियों की जान बचा ली थी अब यहाँ सीन चेंज होता है दस साल बाद का और हमें वही मूवी की स्टार्टिंग सीन दिखाते हैं जहाँ एक आदमी मरा हुआ चूहा उठना है और ये कोई और नहीं बल्कि अथर्वी था जिसकी काफी ज्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वह डिप्रेस नजर आ रहा था इसके बाद अथर्व एक कमरे में आता है और अपने साथ चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा लेकर और वह ये सब प्रताप को खाने के लिए देता है जिसे उसने अपनी कैद में रखा हुआ था फिर वह प्रताप के सामने केला खाता है और भूख के मारे प्रताप केला खाने के लिए मांगता है पर अथर्व से वही मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने के लिए कहता है यानी कि पिछले दस साल से अथर्व प्रताप को इसी तरह से तड़प रहा था फिर वह प्रताप को कहता है कि तू शैतान कहता था ना खुद को तेरे लिए मैं खुद ही शैतान बन गया इसके बाद अथर्व रूम से निकल अपने घर में आता है जहाँ बीना और अंश यान की फोटो रखी थी यानी हो सकता है की बिन और अंश उसी रात बारिश के कारण कर एक्सीडेंट में मारे गए फिर हमें आर्या को दिखाते हैं जो आज भी प्रताप के वशीकरण में ही थी और उसका काफी बुरा हाल हो रखा था या यूं कहे वो जिंदा लाश बन चुकी थी जिसे अथर्व ही संभालता है और इसीलिए अथर्व प्रताप को इतना ज्यादा तड़प रहा था क्योंकि उसी के कारण ने अपने सब कुछ खो दिया यहीं पर यह मूवी खत्म होती